सियालकोट की बहुत ही खूबसूरत मस्जिद लेके जा रहा हूँ। ये एक सियालकोट कैंट में वाकई है, मैं बात कर रहा हूँ गैरिजन मॉस्क की। बहुत प्यारी मस्जिद है, आज इंशाल्लाह आपको पूरी मस्जिद दिखाता हूँ बाहर से भी और अंदर से भी। तो आइए बिला देर आप चलते हैं। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر। जीवर्स, यहाँ से गैरिजन मास्क जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो आप चलते हैं। गैरिजन मॉस्क पहुंचने के लिए हमें ख्वाजा सफदर रोड से होते हुए 8 डीप पहले पहुंचेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस टाइम हम ख्वाजा सफदर रोड क्रॉस कर रहे हैं और ये जी महमूद गजनवी रोड पे हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे जी। ये सीधा कैंट जाएगी 8 डीप के पास। मेरे लेफ़्ट साइड पे ये ब्रांड्स विलेज है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही चेक पोस्ट आएगी, वहाँ अपने ID कार्ड चेक करवा के फिर से स्ट्रेट जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये जी टैंक भी आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ये पाकिस्तानी आर्मी का टैंक है जिसने 1965 और 1971 की जंग में बड़ा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। तो अब हम इसको क्रॉस करेंगे। मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड आ गया जी और ब्रेकआउट, ये बिल्कुल 8 डिप हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हम राइट लेंगे। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी गैरिजन मॉस्क, बहुत प्यारी मॉस्क है, अभी आपको दिखाएंगे। ये जी मैं 8 डिप की तरफ टर्न ले लिया। यहाँ पे आपको एक और चेक पोस्ट मिलेगी, वहाँ पे भी आप अपना ID कार्ड चेक करवा के बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड पे ग्राउंड है और राइट साइड पे आर्मी पब्लिक स्कूल है जी गर्ल्स का, या आप बिल्डिंग देख सकते हैं राइट साइड पर मेरे। जैसे ये स्कूल ख़त्म होगा तो राइट लेंगे कायदे आज़म रोड की तरफ, ठीक है जी। ये हम अब अभी राइट लेने लगे हैं, ये बिल्कुल मेरे राइट साइड पे स्कूल की बिल्डिंग है जी आर्मी पब्लिक स्कूल की। अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो कायदे आज़म रोड आ जाएगा। लें जनाब, अभी हम ये कायदे आज़म रोड आप देख सकते हैं मेरे सामने। यहाँ से आपने लेफ़्ट लेना है तो राइट साइड पे गैरिजन मॉस्क जो है वो आपको मिल जाएगी। आप कहीं से भी अगर आएंगे तो आपने बस ये पूछना है जी गैरिजन मॉस्क जाना है, तो आप किसी भी रास्ते से कैंट में दाखिल होकर यहाँ पहुँच सकते हैं। बस जी कुछ ही लम्हे में हम पहुँचने वाले हैं। मेरी राइट साइड पे आप देखेंगे बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत गैरिजन मॉस्क, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है ये जी, देख सकते हैं आप गैरिजन मॉस्क। मैं आपको ये बाहर से दिखा रहा हूँ व्यू, बहुत ही प्यारा काम हुआ है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा यहाँ, बाहर लॉन देखें कितना प्यारा माशाल्लाह बना हुआ है, और सिटी की बहुत ही खूबसूरत मस्जिदों में इसका शुमार होता है। तो अब मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। ये जी मेन गेट है गैरिजन मॉस्क का। अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अबवा बाबि रहमतिक, दुआ है जी ये मस्जिद में दाखिल होने की, ज़रूर पढ़ा करें आप भी। ये जी जैसे ही आप एंटर होंगे तो सामने आपको बहुत बड़ा सहन मिलेगा जहाँ फाउंटेन लगा हुआ है, देखिए माशाल्लाह कितना कुशादा सहन है। और गुंबद पूरी मस्जिद में माशाल्लाह बने हुए हैं जी गुंबद, ये आप देख सकते हैं सामने। और जैसे ही आप राइट लेंगे ये सामने मेन हॉल आ जाएगा, बड़ा हॉल, मैं अभी आपको वहाँ भी लेके जाता हूँ। और वजूहाना भी बिल्कुल जैसे ही राइट लेंगे राइट साइड पे आपको वजूहाना मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए वजूहाना के ऊपर भी बड़ा प्यारा माशाल्लाह गुंबद बना हुआ है, बहुत ही प्यारी मस्जिद है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये अभी मैं आपको वजूहाना दिखा रहा हूँ, अभी हम चलते हैं हॉल की तरफ। जैसे आप वजूहाने से बाहर निकलेंगे तो आपको ये मेन डोर मिलेगा हॉल का, पहले एक लॉबी आएगी छोटी सी, उसके बाद बहुत बड़ा हॉल है जी मस्जिद का। ये भी हम अंदर एंटर होते हैं, देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा काम हुआ हुआ है इस मस्जिद में। जैसे ही आप मस्जिद में एंटर होते हैं तो आपको ये छोटा सा हॉल मिलेगा, पहले देखिए माशाल्लाह दरवाज़े जो हैं बहुत ही प्यारे हैं। और ये मैं आप हॉल में आ चुका हूँ, और हॉल में जैसे ही आप आएंगे अंदर तो बहुत बड़ा आपको ये ऊपर गुंबद मिलेगा, छोटे छोटे 5-6 गुंबद हैं, और बिल्कुल मस्जिद के वस्त में ये फनूस लगा हुआ है बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है जी।
काफ़ी बड़ी मस्जिद है, काफ़ी नमाजियों की जगह है जी इस मस्जिद में। ये जो पिलर्स हैं उस पर भी काम हुआ हुआ है बड़ा प्यारा। ये आपको मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ मस्जिद। इस मस्जिद में तकरीबन 3 से 4 हज़ार नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं एक टाइम में। बहुत बड़ी मस्जिद है और जो इसके जो गुंबद हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं इस्तांबुल की जो मस्जिद है ब्लू मॉस्क, मुझे थोड़ा सा उनसे मिलते जुलता ये डिज़ाइन लग रहा है। तो बहुत प्यारी मस्जिद है जी, ज़रूर आप विज़िट की रहें, बच्चों को भी लाएँ। और तरावी का भी यहाँ इहतमाम किया जाता है, तरावी भी हो रही है। और जामिया मस्जिद है, जुम्मा पढ़ने अगर आना चाहें तो आप जुम्मा पढ़ सकते हैं आके। ये मसल्ला है जहाँ नमाज अदा होती है। अभी ये नमाज टाइमिंग भी आपको दिखा रहा हूँ जी, ये जो नमाज की टाइमिंग है। और इस मस्जिद में सबसे जो खूबसूरत है वो विंडोज़ बहुत प्यारी हैं। ये आप देखें, जैसे आप विंडो आएंगे तो आपको बाहर का जो व्यू है बड़ा अच्छा ग्रीनरी आपको व्यू नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं। तमाम जो विंडोज़ और डोर हैं वो लकड़ी का काम हुआ हुआ है उस पर। बहुत ही प्यारी मस्जिद। ये देखें, ये जो अफराद बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए अलहदा चेयर्स हैं बुज़ुर्ग हजरात के लिए। और बहुत प्यारी मस्जिद माशाल्लाह, मुझे तो बहुत पसंद आई है ये मस्जिद। ज़रूर आप भी आएँ, विज़िट करें इस मस्जिद में, आके नमाज अदा करें, बच्चों को भी लेके आएँ। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा काम हुआ हुआ है दरवाज़ों के ऊपर। और ये पूरी यानी कुरान की आयत लिखी गई हुई हैं चारों तरफ मस्जिद के। तो अभी मैं आपको बाहर दोबारा लेके जाता हूँ। ये देखें जी, बाहर हम आ रहे हैं। ये बाहर वही सीन आ जाएगा जो फाउंटेन लगा हुआ है, अभी तो चल नहीं रहा लेकिन बाहर से बहुत प्यारी मस्जिद लगती है ये। मैं अभी आपको बाहर से गुंबद भी दिखाता हूँ। ये जी आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इस्तांबुल की जो मस्जिद है ब्लू मॉस्क, सेम उससे डिज़ाइन की गई है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगती है बाहर से। ये आपको सारे मीनार में दिखा रहा हूँ, बहुत प्यारी मस्जिद माशाल्लाह। तो ये अभी मैं सेहन में हूँ, बाहर वाले सेहन, काफ़ी बड़ा सेहन है ये मस्जिद का। व्यूवर्स अब वापस चलते हैं। ये बाहर निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिक। बहुत प्यारी मस्जिद माशाल्लाह। अभी मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ दोबारा एक दफ़ा। ले जी अब हम बाहर चलते हैं। ये जी देखें आप माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद, गुंबद हैं पूरी मस्जिद के ऊपर और ये मीनार भी हैं, 5 मीनार हैं इस मस्जिद के। बहुत ही प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह, ज़रूर आप आइएगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ जी। और उम्मीद करता हूँ मेरा आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज मैंने आपको गैरिजन मॉस्क दिखाई है, आपने भी देखा है माशाल्लाह कितनी प्यारी और कितना अच्छा काम हुआ हुआ है मस्जिद पे। तो इस तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं मजीद लेकर आऊँगा। ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।